हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंक्रीमेंटल अपडेट रूल। तो ये इंक्रीमेंटल अपडेट रूल क्या होता है, तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए पिछला वीडियो, क्योंकि उससे ही आपको ये वीडियो आप समझ में आएगा। ठीक, तो होप करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। तो पिछले वीडियो में हमने क्या मैंडेट प्रॉब्लम देखा था, तो उसमें हमने एस्टिमेशन कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। हमारा जो न्यू एस्टिमेशन था, हम सैंपल एवरेज मेथड से कैलकुलेट कर रहे थे। तो वो क्या करता था कि पिछले जितने भी रिवॉर्ड्स थे हमारे, उसको सबमिशन करता था सबका, आई इक्वल टू 1 to n r of i। पिछला सब रिवॉर्ड को सम करता था डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवॉर्ड, ठीक, नंबर ऑफ एक्शन। ठीक, ये था। तो हमें इसमें क्या करना पड़ता था कि हमें सभी रिवॉर्ड का स्टोर करना पड़ता था। ठीक, सभी रिवॉर्ड को हमें स्टोर करना पड़ता था, तो काफी स्पेस हमारा जाता था इसमें सभी रिवॉर्ड को स्टोर करने के लिए। तो इंक्रीमेंटल अपडेट रूल क्या बोलता है कि हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपना एक पिछला वाला रिवॉर्ड काफी रहेगा, सिर्फ पिछला एस्टिमेट से हम पिछला एस्टिमेट और रिवॉर्ड से हम नया एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर तो हम पिछले सारे रिवॉर्ड्स को कैलकुलेट करना पड़ रहा था, बट हम इंक्रीमेंटल अपडेट रूल से सिर्फ एक पिछला रिवॉर्ड और एस्टिमेशन से न्यू एस्टिमेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो देखते हैं इंक्रीमेंटल अपडेट रूल हम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक, क्यों इंक्रीमेंटल अपडेट रूल सब रिकॉर्ड नहीं लेता। ठीक, तो देखते हैं। तो इधर आपने देखा कि आई इक्वल टू 1 to n तक है, मीन्स फर्स्ट रिवॉर्ड से लेके लास्ट रिवॉर्ड तक। तो मैं 1 by n को अलग कर देता हूँ, 1 by n। ये रिवॉर्ड हम कहाँ तक सम कर रहे थे, 1 से लेके n तक। ठीक, तो लास्ट वाला रिवॉर्ड मीन्स जो प्रीवियस लास्ट है, मीन्स अभी हम लोग Q(n+1) कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा जो nth रिवॉर्ड है उसको हम अलग कर देंगे। ठीक, r(n). तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 to n-1, क्योंकि n nth रिवॉर्ड हमने निकाल दिया। ठीक, ये आर आई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, r(n). ठीक, इधर हम n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक, ये मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड किया, तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अगर इसको कैंसिल करोगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। ठीक, और ये इधर हमारा हो जाएगा आई इक्वल टू 1 to n-1, इधर आएगा आर आई। ठीक, तो अगर आप ये वाला टर्म देखोगे, तो हमारा ये वाला टर्म जो है वो कुछ पिछले वाले से मैच करते हैं। ये इधर जो Q(n+1) हमने लिखा था, तो वो कुछ इस वाले से मैच करते हैं। इसके अंदर क्या Q(n+1) था, तो इधर n नीचे आया और i इक्वल टू 1 to n तक गया है। इधर हमारा क्या है, n-1 है और आया 1 से लेके n-1 तक, तो इसको हम Q(n) भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक, इसको हम कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, Q(n+1). ठीक, तो इसको हम अभी Q(n) सब्सटीट्यूट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 upon n r of n+n-1 into, इधर क्या आ जाएगा, Q(n). ठीक, इसको हमने Q(n) से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे, Q(n) को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स ये ब्रैकेट को खोल देंगे, तो क्या आएगा, कुछ हो जाएगा 1 by n r of n+n into Q(n) - Q(n). ठीक, अभी इस n of Q(n) को हम बाहर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, Q(n). ये n और n कट गया, Q
ऑफ एन फिर प्लस वन बाय एन ब्रैकेट में क्या रहेगा आर ऑफ एन माइनस क्यू ऑफ एन। ठीक, तो हमारा की ऑफ एन प्लस वन क्या बन गया, हमारा की ऑफ एन प्लस वन बन गया क्यू ऑफ एन प्लस वन बाय एन आर एन माइनस क्यू एन। तो ये हमारा क्या है न्यू एस्टीमेट, और ये हो गया ओल्ड, ये एन प्लस वन है और ये एन है, तो ये हो गया हमारा ओल्ड एस्टीमेट। सिमिलरली ये भी हमारा ओल्ड एस्टीमेट और ये जो है हमारा ओल्ड रिवॉर्ड, मतलब इमीडिएट ओल्ड रिवॉर्ड है ये, मीन्स प्रीवियस रिवॉर्ड सेम, ये भी प्रीवियस एस्टीमेट है। तो अब हमें Q ऑफ n प्लस वन कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस सारे रिवॉर्ड रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें प्रीवियस इमीडिएट प्रीवियस रिवॉर्ड रखेंगे। ठीक, जैसे हमारे हम पहले R1, R2, R3 टिल Rn तक रिवॉर्ड रखते थे, स्टोर करते थे, अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हम इमीडिएट लास्ट वाला रखेंगे R ऑफ n। ठीक, तो इससे हमें न्यू एस्टीमेट मिल जाएगा। तो ये क्या है हमारा आर ऑफ एन रिवॉर्ड माइनस एस्टिमेटेड, तो ये बेसिकली हमें ये ब्रैकेट जो पार्ट है ये हमें बताते हैं एरर। ठीक, जो भी हमारा ओल्ड रिवॉर्ड माइनस एस्टिमेटेड ओल्ड क्या देता है हमें एरर। ठीक, और इसे हम बोलते हैं स्टेप साइज, कि मीन्स ये बेसिकली स्टेप साइज ये बताता है कि कितने स्टेप्स से हमें लर्न करना है। ठीक है, इस वन बाय एन को हम अल्फा भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, वन बाय एन को हम अल्फा भी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा क्यू ऑफ एन प्लस अल्फा ऑफ आर एन माइनस क्यू ऑफ एन, ये अल्फा इधर लिख देता हूँ मैं, अल्फा इक्वल टू वन बाय एन। ठीक है, तो ये है हमारा इंक्रीमेंटल अपडेट का फॉर्मूला। तो हमें अब प्रीवियस सारे रिवॉर्ड और एस्टीमेट रखने की जरूरत नहीं, अब हमें सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड रखेंगे और इमीडिएट एस्टीमेट। ठीक, तो इस तरह से हमारा इंक्रीमेंटल प्रॉब्लम जो है एवरेज मेथड के जो लिमिटेशन थी, जो प्रॉब्लम थी सभी रिवॉर्ड रखने के लिए, उसको ओवरकम करता है। ठीक ठीक है, तो हमने देख लिया इंक्रीमेंटल अपडेट का रूल क्या है, वो कैसे ओवरकम करते हैं सैंपल एवरेज मेथड को। बट हमने पिछले वीडियो में एक और प्रॉब्लम बताया था सैंपल एवरेज मेथड का, कि वो नॉन स्टेशनरी बैंडिट्स प्रॉब्लम को नहीं हैंडल कर पाता। नॉन स्टेशनरी बैंडिट प्रॉब्लम वो क्या है, नॉन स्टेशनरी बैंडिट प्रॉब्लम जो हमने पिछले में डिस्कस किया था, कि जैसे हमने लिया था नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल, तो उसके अंदर क्या इस टाइम पे इस पर्सन को एक्शन मूवी ज़्यादा पसंद आ रही थी, एक्शन मूवी, तो नेटफ्लिक्स क्या कर रहा था कि इसको एक्शन मूवी रिकमेंड करता जा रहा था। ठीक, बट आगे हो सकता है कि इस पर्सन का मूड चेंज हो, अब वो उसको एक्शन मूवी से ज़्यादा ड्रामा मूवी पसंद आने लगे। ठीक, पर हमारा एवरेज मेथड क्या कर रहा था कि एक्शन मूवी रिकमेंड करते जा रहा था। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाला तो एक्शन मूवी रिकमेंड कर रहा है, बट अब पहले जो पर्सन को एक्शन मूवी पसंद आती थी बट अब नहीं आती, बट फिर भी नेटफ्लिक्स हमारा एक्शन मूवी रिकमेंड कर रहा है। ठीक, ये था हमारा नॉन स्टेशनरी बैंडिट प्रॉब्लम। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं कि हम करेंट जो यूजर जो है जो अभी करेंट में क्या देख रहा है उसको ज़्यादा वेटेज देखें, जो उसने प्रीवियस में किया उसको कम वेटेज देके, और जो अभी वो जिस कैटेगरी की मूवी देख रहा है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे। ठीक, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, जो हमें यूज़र का इस टाइम पे जो उसका कैटेगरी जो उसको अच्छा लग रहा है उसको रिकमेंड कर सकते हैं, तो ज़्यादा प्रीवियस नॉलेज को हम भूल जाएंगे, जो अभी यूज़र जो अभी कैटेगरी पसंद कर रहा है उसको रिकमेंड करना है स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए ना ये इंक्रीमेंटल अपडेट हमारा हैंडल कर लेते हैं, नॉन स्टेशनरी बैंडिट प्रॉब्लम को ये हमारा इंक्रीमेंटल अपडेट रूल
हैंडल कर लेता है। तो उसका प्रूफ देखते हैं कि ये किस किस तरह से नॉन स्टेशनरी बैंडेड प्रॉब्लम को हैंडल करता है। मींस ये करंट जो यूजर अभी परफॉर्म कर रहा है उसको ज़्यादा वेटेज देके और प्रीवियस जो याददाश्त थी या फिर प्रीवियस जो उसके रिकॉर्ड से या फिर प्रेफरेंस थे उसको भुला के जो अभी उसके प्रेफरेंस थे उसको ज़्यादा वेटेज कैसे देता है ये। ठीक है, ये अभी देखते हैं हम, ये प्रूफ करते हैं कि इंक्रीमेंटल अपडेट कैसे नॉन स्टेशनरी बैंडेड प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो इधर हमारा क्यू ऑफ एन प्लस वन क्या था, क्यू ऑफ एन प्लस अल्फा आर एन माइनस क्यू एन। अब इसको हम थोड़ा इलेबरेट कर देंगे, मीन्स अल्फा को ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे और अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू ऑफ एन प्लस अल्फा ऑफ आर एन माइनस अल्फा ऑफ क्यू एन। ठीक, अब हम इस क्यू एन को कॉमन लेंगे और अल्फा आर एन को साइड में कर देंगे, अल्फा ऑफ आर एन प्लस क्यू एन को कॉमन लिए तो क्या आएगा हमारा क्यू ऑफ एन वन माइनस अल्फा। ठीक, अब इस क्यू एन को हम लोग फिर से इलेबरेट करेंगे, मीन्स पहले आप क्यू ऑफ एन प्लस वन का फॉर्मूला देखो क्या है ये क्यू ऑफ एन प्लस अल्फा आर ऑफ एन माइनस क्यू एन, तो एन प्लस वन के बदले अब है हमारा एन। ठीक, अब क्यू ऑफ एन को फिर से इलेबरेट करते हैं, क्या हो जाएगा अल्फा ऑफ आर एन प्लस वन माइनस अल्फा, तो हमारा ये वाला टर्म हो गया। अब क्यू एन को एक्सपांड करते हैं तो क्या हो जाएगा क्यू ऑफ एन माइनस वन प्लस अल्फा ऑफ आर एन माइनस वन माइनस ऑफ क्यू ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। अब इसको ये वाला ब्रैकेट भी हम ओपन कर देंगे, अल्फा ऑफ आर ऑफ एन प्लस वन माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस अल्फा क्यू ऑफ एन माइनस वन प्लस ये हो जाएगा वन माइनस अल्फा इंटू अल्फा आर एन माइनस वन माइनस क्यू ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, तो ये इक्वेशन काफी बड़ा हो गया, मैं काम करते हैं हम छोटे वाले इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मींस हमने क्यू एन में अभी कौन सा सब्स्टिट्यूट किया था, क्यू एन में ये वाला। ठीक, इसकी जगह पे हम ये वाला इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही वाला क्यू एन के अंदर, कि हमारा क्यू एन क्या आया था लास्ट में, यही आया था ना, तो क्यू एन के अंदर ये हम ये वाला भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा अल्फा ऑफ आर ऑफ एन प्लस क्यू एन की जगह पहले वन माइनस अल्फा लिख लेते हैं, क्यू एन की जगह हम ये वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा ऑफ आर ऑफ एन माइनस वन प्लस क्यू ऑफ एन माइनस वन इंटू वन माइनस अल्फा। ठीक, अभी इस अल्फा को हम 1 माइनस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, ये हो जाएगा अल्फा ऑफ आर ऑफ एन प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा आर ऑफ एन माइनस वन प्लस 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर, ये 1 माइनस अल्फा ये 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, इंटू क्यू ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, ये वैल्यू आया। अब फिर से हम इसे q ऑफ n माइनस वन को एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक, वो किस तरह होगा, तो फिर से अल्फा ऑफ r ऑफ n प्लस वन माइनस अल्फा इंटू अल्फा ऑफ r ऑफ n माइनस वन प्लस वन माइनस अल्फा स्क्वायर। अब इस q ऑफ n माइनस वन की जगह हम ये वाला इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा अल्फा ऑफ आर ऑफ एन प्लस क्यू ऑफ एन माइनस टू आर ऑफ एन माइनस टू प्लस क्यू ऑफ एन माइनस टू इंटू वन माइनस अल्फा। ठीक, अब वापस से इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, अल्फा ऑफ आर ऑफ एन प्लस वन माइनस अल्फा
अल्फा ऑफ आर ऑफ एन माइनस वन प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू अल्फा आर ऑफ एन माइनस टू, ठीक, प्लस अब ये वन माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, वन माइनस अल्फा क्यूब इंटू क्यू ऑफ एन माइनस टू, ठीक है। तो ये हम कब तक करते रहेंगे, जब तक क्यू इनिशियल वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता, मतलब क्यू एन पे था, अब एन माइनस वन हुआ एन माइनस टू हुआ, टिल क्यू ऑफ वन तक हम एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हमारा कुछ इस तरह आएगा, ये क्या हो रहा है, ये क्यूब हो रहा है, एन माइनस टू हुआ तो ये क्यूब हो गया, तो इधर हम लिख सकते हैं वन माइनस अल्फा ऑफ एन इंटू क्यू ऑफ वन, ठीक है। इधर आप देख रहे हो एन माइनस टू हुआ तो ये थ्री हुआ, थ्री, हाँ, तो उस तरह से जाते जाएंगे क्यू ऑफ वन तक, तो वन माइनस अल्फा पावर एन हो जाएगा, ठीक। और बाकी सब होगा, और इसको आर ऑफ एन अगर आप लोगे तो अल्फा ऑफ आर ऑफ एन प्लस वन माइनस अल्फा ऑफ आर ऑफ एन माइनस वन प्लस वन माइनस अल्फा द होल स्क्वायर आर ऑफ एन माइनस टू, ठीक ठीक है, इतना कर लिए। तो आप अगर ये टर्म देखोगे, ये बेसिकली क्या है, सम हो रहा है, ठीक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन, और ये अल्फा वन माइनस अल्फा ऑफ एन माइनस आई, तो अगर आई एन के बराबर आएगा तो सिर्फ हमारा अल्फा आएगा, इधर लिख देते हैं आर ऑफ एन। तो इधर आप देखोगे जब हमारा आई एन के बराबर हो जाएगा तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, एन आएगा, इधर एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, तो वन माइनस अल्फा पावर जीरो क्या होगा, वन होगा, तो क्या आ जाएगा अल्फा ऑफ आर एन, तो सेम हमें मिल रहा है, ठीक। तो बेसिकली इसको, ये सभी को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हमारा टर्म कुछ इसी तरह रहेगा, ठीक। ये हो गया हमारा न्यू एस्टिमेट क्यू ऑफ एन प्लस वन। तो अब ये इक्वेशन हमें कैसे बता रहा है कि हम रिसेंट चीज को ज्यादा वेटेज दे रहे एज कम्पेयर टू प्रीवियस को। तो अगर आप ये देखोगे, पहले मैं बता दूं कि अल्फा की वैल्यू हमेशा जीरो से वन के बीच में रहती है, ठीक, ये अल्फा की वैल्यू रहती है जीरो से वन के बीच में। तो अल्फा हमारा जब जीरो से वन के बीच में रहता है तो इधर हम पावर कर रहे हैं, ये हमारा इनिशियल एस्टिमेट था क्यू ऑफ वन। तो अगर आप वन, जीरो से वन के बीच में किसी भी चीज को पावर करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो बेसिकली क्या होता है, कम होता जाता है, मीन्स लेट से 0.3 है, ठीक। इसको अगर आपने स्क्वायर किया तो आपका क्या आएगा 0.09, ठीक। तो ये बेसिकली क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक। जैसे जैसे हमारा ये पावर टर्म बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी वैल्यू और छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इधर पावर एन है, मीन जितने हमने एन इटरेशन परफॉर्म किया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पुरानी वैल्यू मीन्स जो इनिशियल वैल्यू है, जो बहुत पुरानी याददाश्त थी, हम उसको भूल रहे हैं, मीन अब वो हमको ज़्यादा याद नहीं है, ठीक। अब इसको हम कम वेटेज दे रहे हैं। और इधर आप देखोगे जैसे जैसे हम एन की तरफ बढ़ते जाएंगे, मीन जैसे जैसे इटरेशन आगे बढ़ता जाएगा उससे, तो क्या होता जाएगा, ये जो पावर है ये कम होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा एन बढ़ेगा आई बढ़ेगा, ठीक, और कम होता जाएगा, तो इस आर को वेटेज ज्यादा मिलेगी, जो प्रीवियस रिवॉर्ड थे, आर बेसिकली क्या है, रिवॉर्ड। तो स्टार्टिंग वाले रिवॉर्ड को वन रहेगा, अगर आए वन हुआ तो इधर क्या हो जाएगा एन माइनस वन, तो एन माइनस वन होगा, और ये रिवॉर्ड कौन सा होगा, वन, मतलब ये इनिशियल रिवॉर्ड है, मतलब हमारा बहुत पुराना पहला रिवॉर्ड। तो अब इसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत पुराना रिवॉर्ड है, तो वो वन माइनस अल्फा पावर ये एन माइनस वन हो रहा है, ये भी काफी बड़ा टर्म हो जाएगा, तो वन माइनस अल्फा क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा रिवॉर्ड हमारा अगर छोटे टर्म से मल्टीप्लाई होगा वन माइनस अल्फा से, तो ये काफी छोटा हो जाएगा, ठीक। मतलब इसको हम अभी काफी कम वेटेज दे रहे हैं हमारे एकदम पुराने वाली चीजों को, ठीक।
ठीक। और जो रिसेंट चीज है एन की तरफ बढ़ते जाएगा उसको 1 माइनस अल्फा की तो थोड़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो तू हमारे रिसेंट रिवॉर्ड को ज्यादा वेटेज मिलेगा एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस रिवॉर्ड थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंक्रीमेंटल अपडेट रूल नॉन स्टेशनरी बैंडिट प्रॉब्लम को हैंडल करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इंक्रीमेंटल अपडेट रूल हमारा किस तरह से नॉन स्टेशनरी बैंडिट प्रॉब्लम को हैंडल करता है। बेसिकली वो जो एकदम पुराने रिवॉर्ड होते हैं उनको या फिर एस्टिमेट्स रहते उनको काफी कम वेटेज देता है, और जो हमारे रिसेंट के थे अभी रिसेंट जो हमारी हिस्ट्री थी उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। तो इस तरह से हम नॉन स्टेशनरी बैंडिट प्रॉब्लम को इंक्रीमेंटल अपडेट रूल से हैंडल कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये इंक्रीमेंटल अपडेट रूल समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि ये नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है और सिंपल एवरेज मेथड के लिमिटेशन को कैसे ओवरकम करता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रीइन्फोर्समेंट लर्निंग के। टिल देन बाय।